तो आज की इस वाली वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे इंडियन सर्वर के रिडीम कोड के बारे में। तो फाइनली कंफर्म हो चुका है कि हमारे इंडियन सर्वर पे मिलने वाला है रिडीम कोड, और रिडीम कोड से आप लोगों को कौन सा रिवॉर्ड मिलेगा, रिडीम कोड आप लोगों को कब मिलने वाला है, सारा कुछ अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वाली वीडियो को लाइक कर दो, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी के अभी सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को उसको ऑल पे सेट कर दो। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है हमारे इंडियन सर्वर पे बहुत लंबे समय से कोई भी रिडीम कोड नहीं मिला है। लास्ट रिडीम कोड हम लोग को शायद से जनवरी पे मिला था, मेरे को याद भी नहीं कि को लास्ट रिडीम कोड कब मिला था। आप लोग कमेंट करके बताना कि हम लोग को लास्ट रिडीम कोड कब मिला था हमारे इंडियन सर्वर का। लेकिन अभी अभी फ्री फायर के इंडिया ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे एक पोस्ट डाला गया है, जहां पे बताया गया कि फ्री फायर में एक मूवी लॉन्च होने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को बताया, जब भी हमारे फ्री फायर के अंदर कोई भी सॉन्ग या फिर कोई भी मूवी लॉन्च होता है, उसकी खुशी में हम लोग यहाँ पे रिडीम कोड मिलता है। पिछली बार हम लोग एक सॉन्ग रिलीज हुआ था तो वहां पे माइलस्टोन रखा गया था कि इतना वॉचिंग आएगा तब जाके हम लोग को रिडीम कोड मिलेगा। उसी तरह से हम लोग एक मूवी लॉन्च हो रहा है जहां पे हम लोग को बताया जाएगा कि इस वाली मूवी में अगर इतना वॉचिंग आता है, इतना व्यूज आता है, तो हम लोग को रिडीम कोड मिलने वाला है। और ये जो बैटल इन स्टाइल का मूवी हम लोग को 16 जुलाई के दिन रिलीज होने वाला है। और आप लोगों को तो बताया, जब भी कोई भी मूवी लॉन्च होता है तो उस पर थोड़े बहुत तो खर्चे होते हैं, और फ्री फायर अपना खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट देंगे कि इतना व्यूज कंप्लीट होगा तो हम लोग को रिवॉर्ड मिलने वाला है। तो जैसे ही मुझे इसके ऊपर कुछ भी अपडेट मिलेगा मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूंगा, और जब भी मुझे कोई भी रिडीम कोड मिलेगा तो मैं आप लोग को सबसे पहले ला के दूंगा। तो बस आप लोग कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को उसको ऑल पे शेयर कर दो, ताकि जैसे मैं आप लोग को रिडीम कोड दूंगा सबसे पहले आप लोग वीडियो देख के सबसे पहले रिडीम कोड को रिडीम कर पाओगे। तो फटाफट से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को उसको ऑल पे सेट कर दो।